नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम MMTC लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है और आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। तो देखिए, कंपनी जो है 10,580 करोड़ का मार्केट कैप है एंड जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 70.6 के आसपास एंड आज यहाँ पे 20% का अप मूव देखने को मिल रहा है एंड इसका जो बुक वैल्यू है 9.4 प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 7.45 के आसपास। रिजर्व कैश है इस कंपनी के पास 1,262 करोड़ का। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 18% के आसपास है, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 62%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 97% के आसपास। आज का मूव को काउंट करेंगे तो 100% के आसपास इसका रिटर्न डिलीवर किया है। तो लास्ट 1 ईयर से ही स्टॉक का प्राइस ने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। अगर आप इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे ना, तो देखिए सेल्स जो है अभी लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जून 2021 में देखिए सेल्स था 4,900 के आसपास, अभी देखिए जून 2023 में डाउन होकर हो गया है 214 के आसपास। नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रीवियसली देखिए नेगेटिव नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो भी कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे कि सितंबर 2022 में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था 1,577 करोड़ का, लेकिन उसके बाद देखिए 98, 10, 15, तो एवरेज लेकर चल सकते हैं। आने वाले टाइम में शायद 15 से 30 करोड़ के बीच में आ सकता है। अगर आप यहाँ पे इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो देखिए प्रमोटर के पास यहाँ पे होल्डिंग है 90% के आसपास। सारा माल यहाँ पे प्रमोटर के पास है एंड जो 10% के आसपास है वो रिटेल एंड डीआई के पास है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है। सारा माल यहाँ पे प्रमोटर दबाकर बैठा है, जो कि यहाँ पे अगर प्रमोटर देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इतना भी फ्लोटिंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही शार्प अप मूव देखने को मिल रहा है। जितना भी स्टॉक आप देख सकते हैं, KIOCL हो गया, MMTC हो गया, जितना भी लो फ्लोटिंग स्टॉक है इसमें बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए फंडामेंटल में अभी से बोलना आप बाय करके होल्ड करना गलत होगा और थोड़ा टाइम देना चाहिए फंडामेंटल के हिसाब से अगर लेना चाह रहे तो। लेकिन लग रहा था कि प्राइस को थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन होना चाहिए था, जो कि अभी जाकर हम चार्ट में देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है MMTC लिमिटेड का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। देखिए प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, जो कि था नियरली 67-68 के आसपास, जब भी देखिए 2014 के बाद प्राइस जब भी ये जो मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा था, प्राइस को देखिए कितना बार यहाँ पे सप्लाई मिला है। ये था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस MMTC के लिए, जो कि था 67-68 के आसपास एंड देखिए प्राइस अभी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ना, हमारा एनालिसिस यहाँ पे था, अगर एंट्री करना था ये सबसे बेस्ट लेवल था। अगर किसी ने एंट्री किया होगा 36 के आसपास, जब प्राइस इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया होगा, तो उसको तो होल्ड करना चाहिए। अभी क्वेश्चन आ रहा है फ्रेश एंट्री का। देखिए फ्रेश एंट्री जो प्राइस यहाँ पे मूवमेंट दिया है, मेरा व्यू में प्राइस को और थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होना था। अगर और थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट करता है वो सबसे बेस्ट है। देखिए प्राइस यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन मेरा व्यू में थोड़ा अगर नीचे आएगा ये जो लेवल यहाँ पे बन रहा है, जो लोअर बाउंड्री जो कंसोलिडेशन का 54 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और प्राइस कंसोलिडेशन हो सकता है, शायद इस टाइप का थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आगे आने वाले टाइम में इस लेवल के आसपास आ जाएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और थोड़ा अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन देखिए यहाँ पे छोटा सा जो चैनल था उसको ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बुलिश है नो डाउट, रेशियो चार्ट में भी ब्रेकआउट हुआ है। अभी क्वेश्चन आ रहा है आपका रिस्क के ऊपर, क्योंकि देखिए जिस टाइप का यहाँ पे बेस बन रहा है ना, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे बन रहा है बिलो के आसपास। क्वेश्चन आ रहा है क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले पाएंगे, उसी हिसाब से आपका रिस्क को डिफाइन कीजिएगा फ्रेश एंट्री करने के लिए। जिनके पास है नो डाउट वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री बेटर रहेगा नियर 53-54 जो यहाँ पे पुल बैक दिया देगा अगर आने वाले टाइम में, वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे जो कि करंट प्राइस अभी चल रहा है नियरली 70 के आसपास, उसी केस में स्टॉप लॉस थोड़ा बिग बन जा रहा है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपका रिस्क के ऊपर, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से नीचे मिलता है
जिस टाइप का अभी हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है ना, इस स्टॉक का प्राइस आराम से आने वाले टाइम में उसका जो यहाँ पे हाई है ना, जो इन बिटवीन हाई है 285, उसी लेवल को टेस्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में 130 जो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बनेगा, नेक्स्ट यहाँ पे 280, ये थोड़ा लेटर जाएगा लेकिन ए लेवल इमिडिएटली जा सकता है 130 के आसपास। देखिए बात नहीं सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर का, यहाँ पे रेशियो चार्ट में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे रेशियो चार्ट में उसका जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पे शो कर रहा है। प्राइस देखिए जब भी ब्लू लाइन के आसपास जा रहा था वहाँ से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था MMTC को, एंड प्राइस देखिए जो मल्टी ईयर का जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक कर दिया है। इसका मीनिंग है कि आने वाले टाइम में MMTC जो है निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है कपल ऑफ मंथ या कपल ऑफ ईयर तक। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा सही है, जैसे ही प्राइस जो लो बन रहा है यहाँ पे 52 के आसपास आपका एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके आप राइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू में 55 के आसपास फ्रेश एंट्री थोड़ा बेटर रहेगा, लो रिस्क बनेगा, लेकिन सेटअप बहुत ही अच्छा है। स्टॉक को आप पे रैडम रखिएगा, अगर कभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है जिस टाइप का यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो थोड़ा बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म का एक रेंज को प्राइस ब्रेक किया है, अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है कंटिन्यूशन मूव। मैं ऐसा करता हूँ हम डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।